कैरेक्टर जो देखे और अभी आपको देखा ना, तो कोई भी बोलेगा नहीं कि आप वो मूवी में हो, क्योंकि वो स्टाइल अलग है और मैं तो मैं खुद भी नहीं पहचान पाऊंगी. एक्चुअली मैं जिन लोगों से मिलती हूँ जब स्क्रीनिंग्स के बाद जा रहे हैं, सबसे पहले पूछती पहचाना स्टूपिड. हां, और फिर उनको पता चला कि मैं वो जिसका नाम सोच सकती है इस एज ग्रुप में, उसने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया है. बट आई थिंक वो आमिर खान प्रोडक्शन की और आमिर खान सर की और किरण मैम की वो ब्यूटी है कि वो हमेशा टैलेंट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, मोर देन द फेसेस. और इस फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है, उनका एक आइडिया ये था कि जब भी कोई आप इस किरदार को देखे तो उन्हें बिलीव होना चाहिए कि ये वो सच में वो किरदार है, सच में वो दीपक है, पुष्पा है, फूल है. तो उनका वो थॉट था, इसलिए आई थिंक उन्होंने डिसीजन लिया. दीपक, पुष्पा, फूल. और फूल मुझे जितने लोग भी स्क्रीनिंग के बाद मिलते हैं. हाँ, अरे मैं जिस स्क्रीनिंग में जाती हूँ ना, मुझसे वो फूल करके ही बात करते हैं, वो और कुछ इमेजिन ही नहीं कर पाते. क्योंकि जब वो ऐसे रील में दिखते हैं ना, उन्हें 5 मिनट लग जाता है ये जाने में. आप तीनों को हमने यही देखा है बड़े पर्दे पे. लोगों को, आधे लोगों को बिलीव ही नहीं होता है, फिर जब हम उनसे बातें करते हैं तो उन्हें पता लगता है. हाँ ठीक है, सही, हम करेक्ट लोगों से बातें करते हैं, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है. अभी आपको कभी लगा कि हमने जो मूवी में कैरेक्टर किया है तो उस कैरेक्टर में हम लोग जाए, उस कॉस्ट्यूम में जाए, ऐसा कभी लगा? उस कॉस्ट्यूम में लोगों के सामने जाए वैसे पहन के? नहीं, मुझे, मेरा मन था कि मैं वो सूट पहनूं और वो पगड़ी पहनूं और मैं लोगों के सामने जाऊं वो फोटो लेके कि हमारी बीबी खो गई है, हमारी बीबी खो गई. अभी भी बोलता है, बस हमको सोचते हैं कि रील बनाते हैं, डांस की रील बनाते हैं, उसमें बोलता है मैं घूंघट लेके आता हूं, मैं घूंघट लेके पीछे. हाय, हेलो, नमस्कार, मी संगीता तडे आणि आज आपण सेलिब्रिटी गप्पा टप्पन मध्ये अशा सेलिब्रिटींना भेटणार आहोत की ज्यांनी ज्या मूवीच्या माध्यमातून डेब्यू केलेला आहे, तो मूवी म्हणजे लापता लेडीज, जो हिंदी मूवी आहे. मी जरी मराठीत अँकरिंग करत असेल तर मूवी हिंदी आहे आणि हे कलाकार जे तुम्ही आता माझ्यासोबत पाहतात ह्यांना मराठी जास्त येत नाहीये, त्यामुळे आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत हिंदी मधून. नाही, बट आजकाल प्रमोशन के लिए ये आयडियाज भी इम्पॉर्टंट है. आपने देखा होगा, आप जब 26 को आए थे हमारे इवेंट में प्रमोशन के लिए, तो हमने किरण राव को भी एक घूंघट पहनाया था. वो एक्चुअली फेटा था, फेटे के बाद वो स्टेज पे घूंघट, बट वो फेटे की वजह से दिखाई नहीं दिया. तो मेरी आइडिया ये थी कि मैडम को घूंघट पहनाया जाए, क्योंकि लापता लेडीज ढूंढने आए तो हमारी ये भी लापता लेडीज है, भी ढूंढने हैं इनको. तो वो हमारी आइडिया थी. क्योंकि हमने किरण राव के पेज पे जो देखे तो वो आपको दिखा रहे, मतलब ऐसे क्योंकि तब हम नासिक में शूट कर रहे थे और बहुत ठंड होती थी, तो सुबह सुबह इतनी इतनी ठंड होती थी. तो जो भी मैं शॉर्ट कर रही हूँ ना, जैसे मैं वो शॉर्ट कर रही हूँ, तो मैम की एक बहुत अच्छी आदत थी, मैम पहले खुद चेक करती थी. तो मेरा एक पानी में हाथ धोने का शॉर्ट था और वो उससे पहले खुद चेक करती थी कि पानी इतना ठंडा है कि मेरे बाकी एक्टर्स परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं. वो पहले मुझे करके दिखाती थी, इनफैक्ट हम सबको पहले वो करके दिखाती थी, फिर हम उनको फॉलो करते थे और ऐसे ऐसे करके हमारी परफॉर्मेंसेस फ्लो फ्लो में निकल जाती थी. तो अभी 1 मार्च को ये मूवी रिलीज हो गई और आज 9 मार्च है. तो 9 दिनों में आप तो बहुत जगह पे घूमे, तो लोगों की आपको रिएक्शन क्या आ रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है आपको? और आप बोलो. नहीं नहीं, फूल पहले बात करते. मैम बहुत अच्छी है, बोलो यार. हमें काफी अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं मैम. हम जैसे हम देख रहे हैं, हमें लोग टैग कर रहे हैं, इतने सारे लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छी है. और ये सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म इतनी अलग बनी है कि आदमी अपने बारे में, वो होता ना, आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम मिल रहा है फिल्म देखने के बाद. जब आप फिल्म से, थिएटर से बाहर आ रहे हो ना, आप एक थॉट लेके बाहर जा रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है. अगर आप वो थॉट अभी लेकर बाहर आ रहे हो, आप कल जाकर उस पर थोड़ा गौर फरमाओगे. और मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म होती है ना, वो एक बहुत बड़ा मीडियम होता है चेंज लाने का हमारी सोसाइटी में. तो अगर लोगों को हमारी फिल्म अच्छी लग रही है तो आई रियली होप फॉर अ गुड चेंज. तो इसमें आपको ज्यादा क्या लग रहा है, लेडीज को अच्छी लग रही है या जेंट्स को अच्छी लग रही है? सबको अच्छी लग रही है. बच्चों से आपको बताऊं, जेंट्स 10 साल की उम्र के बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक कोई अच्छी लग रही है, विच इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. और सबको ये फिल्म पसंद आ रही है और कुछ भी नेगेटिव हमें सुनने को मिला ही नहीं, सबको ये छू जाती है.
सबको ये फिल्म छू जाती है, सब तक जो हम मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे वो मैसेज पहुंच जाता है, और मतलब प्यार ही प्यार मिल रहा है जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोगों की आंखों में वो दिख जाता है। अभी मैं कल ही हम लोग थाने में स्क्रीनिंग कर रहे थे पुणे के अपना थाने में, तो वहाँ पे एक लेडी मुझको आके बोलती है कि आपने हमें प्यार की नई परिभाषा सिखा दी। यू हैव टॉट अस अ न्यू डेफिनेशन ऑफ लव। तो मैंने कहा यार चलो सही है, क्या क्या छू रहा है लोगों को। आप बस ये चाहते हैं कि ये फिल्म सब लोग देखें, जितने लोग देख रहे हैं उन्हें तो पसंद आ रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, ये फिल्म बहुत आगे तक जानी चाहिए। सब लोग देखेंगे, सब लोग कुछ सीखेंगे अपनी लाइफ में, वो चीजें इम्बाइब करेंगे, सो इट विल बी अ वेरी ग्रेट चेंज फॉर ऑल ऑफ अस। और हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम तीनों की पहली डेब्यू फिल्म है, तो हम लोग तो चाहते हैं ये फिल्म आगे जाए, बहुत अच्छा करे बॉक्स ऑफिस में। हाँ फुल, हम तब से स्क्रीनिंग्स में भी जा रहे थे और अब जो फिल्म रिलीज़ हो गई, तो हम कल पहली बार थिएटर्स में गए थे लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। एंड क्योंकि वुमेंस डे था, हमारा ये 100 रुपीज़ का ऑफर था, हाउसफुल पूरे सब लोग बैठे हैं एंड हम जा रहे हैं तो उनके रिएक्शन इतने प्यारे हैं। मुझे दो लेडीज़ मिली, उनकी आँखें लाल और उनकी आँखों में आंसू है एंड लाइक आपने हमें रुला दिया। तो मतलब उनको फिल्म इतनी छू जा रही है कि उनको लग रहा है कि ये जो कहानियाँ ये हमारे आसपास होती हैं और इसमें कैसे बदलाव लाया जाए। तो मैं बहुत खुश हूँ, सबको ये फिल्म बहुत छू रही है और मैं चाहती हूँ जितना जितना ये लोगों के पास पहुँचेगी उतनी प्यारी बात होगी। तो ये फिल्में एक सोशल मैसेज भी है और हम वुमेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी तो पूरा वीक वुमेंस डे का रहने वाला है क्योंकि हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर जगह पे हमें भी इनविटेशन आ रहा है जैसे अवार्ड के लिए, अवार्ड देने के लिए। तो ये फिल्म हम भी सबको बोलेंगे कि भाई प्लीज़ देखिए, क्योंकि हमारे ये लापता लेडीज़ ने वहाँ पे एक अलग संदेश दिया है, सोशल मैसेज दिया है, और दीपक ने भी उसमें बहुत दीपक का बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, तो हम दीपक को भी नहीं भूलेंगे, नहीं तो बोलेंगे वुमेंस डे भाई तो सब वुमन को ही पूछ रहे, तो दीपक के लिए ये मूवी देखते हम जाएंगे। नहीं एक्चुअली जैसे मैम ने कहा कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज है और लड़कों के लिए भी काफ़ी अच्छा मैसेज है कि कैसे लड़के अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करें, अपने प्यार को ज़्यादा जताएं और कैसे एक औरत को सपोर्ट करें, उसकी इज्जत करें, तो ये भी काफ़ी अच्छा मैसेज है। तो आई थिंक सभी को देखनी चाहिए विद फैमिली ये फिल्म। कल ही अभी हम वुमन बोल रहे तो दीपक है तो वैसे यहाँ पे प्रसन्न है, प्रसन्न ने कल ये मूवी देखी है, तो प्रसन्न उसके बारे में कुछ आपसे बात करेगा। प्रसन्न बहुत प्रसन्न हुए हमारी फिल्म देख सच में प्रसन्न हुए। तो कल बेसिकली मतलब जब मूवी रिलीज हुई थी तो उसके बाद मुझे टाइम मिला और कल वुमेन्स डे भी था तो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप गया था एंड ऑनेस्टली बोले तो पूरा स्क्रीन जो था हाउसफुल था, सब लोग रो रहे थे। तो आपका एक क्या संदेश है, मतलब जो क्लाइमेक्स का सीन था वहां पे जो मूवी एंड हुआ और वहां पे सबके आंसू आ रहे थे, सीटियां लोग बजा रहे थे, तो वो सीन सबको पसंद आया और वहां से जो है लोगों तक समझ में आया कि जो गांव का साइड है, यूपी बिहार का साइड है, वहां पे ऐसी चीजें होती रहती है। और आज के अपने जैसे देखा मूवी में वो जो सीन था वो पुराना सीन था और आज के डेट में भी ये सब चीजें होती, तो आपका संदेश क्या है लोगों तक, ऑडियंस तक आपका कहना क्या है? ना यही है कि जो हमारी फिल्म में मैसेज है वो मैसेज बात करता है फीमेल पेट्रियार्की के ऊपर और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और आज भी काफ़ी जगह हैं ऐसी जहाँ पे हम पूरी तरह पहुँच नहीं पाए हैं, पूरी तरह इस मैसेज को पहुँचा नहीं पाए हैं, लोग आज भी थोड़े कम अवेयर हैं इन टॉपिक्स को लेकर। तो ये फिल्म देखने जाना चाहिए और इस बात को एक्चुअली फैलाना चाहिए जो हमारी फिल्म कहना चाहती है, पर ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा जब आप ये पिक्चर देख कर आएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के थ्रू। उसके साथ साथ हमने देखा मूवी में रवि किशन सर भी है और उनका जो रोल था वो लोगों को पसंद आया। शूटिंग के टाइम ऐसा कौन सा किस्सा है, वहां पे क्या हुआ था, रवि किशन सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, उसके बारे में क्या बताओ? रवि सर के साथ ना मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया, अभी जब मैं पैम्पलेट्स लेके जा रही थी ना तो मैं सबको बता रही थी, ऐसे ट्रेलर दिखा रही थी कि देखो देखो ट्रेलर, तो सब लोग बोलते अरे रवि किशन अपना रवि किशन अपना रवि किशन। तो आई थिंक रवि सर को बहुत लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस कदर पे उनका प्यार हमें जगह जगह दिखता है वो बहुत अच्छी बात है। रवि सर की अच्छी बात यह है कि वो खुद बड़े अच्छे इंसान है, जब वो शूट पे आए ना हमें ऐसा लगा नहीं कि वो अपना कोई जो उनके जो वो होल्ड करते हैं पोजीशन, अपनी वो पोजीशन के साथ आए हुए, वो एक दोस्त की तरह हमारे साथ शूट कर रहे थे, जैसे मैं और स्पर्श जब सीन्स परफॉर्म करते थे हमारे साथ बात करते थे, हमारे साथ सीन्स के बारे में डिस्कस किया करते थे कि उन्हें क्या लगता है हमें क्या लगता है, तो एक बहुत ही कलेक्टिव फ्रेंडली एटमोसफेयर बना रहता है। तो रवि सर बहुत ही अच्छे हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इनफैक्ट हम सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्या हुआ? कोई बात नहीं, तो
जैसे कि हम सबकी पहली फिल्म है तो हम सबका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत अच्छा था. किरण मैम से इतना कुछ सीखने को मिलता था. इनफैक्ट हमारे आसपास जितने भी एक्टर्स थे, जैसे आपने डायलॉग की बात की, जो लहजा था, हम में से किसी का भी लहजा उतना था नहीं. हम बहुत कहीं ना कहीं अर्बन साइड से ऐसे आते हैं. तो जब हम सबको ये स्क्रिप्ट मिली थी, हम सब ने वर्कशॉप्स करी थी ऑलमोस्ट 1.5 महीने के लिए. हम लोग डायलॉग वर्कशॉप्स करते थे ताकि हम वो सेम एक्सेंट पकड़ पाएं. तो फिर जब सेट पे जाते थे तो डायलॉग भूलना ये सब होता ही नहीं था. हम सीन्स में ही होते थे और हम गाँव में शूट कर रहे थे तो वहाँ के लोग इतने प्यारे थे, इतने वेलकमिंग थे. हम शूट कर रहे होते थे, उसके बाद जब हम हमारा ख़त्म हो जाता था शॉट, फिर हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हम उन्हीं का एक हिस्सा है. तो वो बहुत प्यारी चीज थी और बहुत मजा आया. वैसे ये मूवी जो था ये पूरा विलेज में इसका शूटिंग हुआ, तो रूरल एरिया में जो हम देखेंगे तो वहाँ पे डिफिकल्टीज आते हैं, लाइट्स का प्रॉब्लम रहेगा, प्रोडक्शन हाउस को थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते. तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, कौन सा आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, आपको क्या डिफिकल्टीज आई थी? इसका ना बिल्कुल अपोजिट था. हाँ. क्योंकि फिल्म सिटी में जब आप शूट करते हो तब थोड़ा सा टाइट माहौल होता है क्योंकि आप एक सेट के अंदर बंधे होते हो, आपको सब कुछ इस सेट के अंदर करना है. वहाँ हमारे पास पूरा गांव था और पूरा गांव हमारे लिए खड़ा था एक्चुअली. तो पूरे गांव का इतना सपोर्ट था, वहाँ के जो सरपंच थे वो हमारे लिए दाल बाटी चूरमा बना के ला रहे हैं सेट पे. हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमसे पहले वो भाग के कर रहे हैं. और ये आई थिंक मध्य प्रदेश के लोगों की काफ़ी सुंदरता है कि वो ना अपनापन उनमें बहुत है, वो आपको बहुत अपना बना लेते हैं जल्दी. तो बिल्कुल अपोजिट था सर, उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट रहा और इतना अच्छा माहौल था कि हम एक हमारी वैनिटी वैन होती है जिसमें एक आर्टिस्ट तैयार होता है, हम अपनी वैनिटी वैन में कम रहते थे, हम उन गाँव वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे. कल वुमेंस डे था, पूरी इंडिया में लापता लेडीज़ के शोज़ थे, वो हाउसफुल थे. और आज भी, आज सैटरडे संडे, ये दो दिन में आप क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को, ये मूवी क्यों जाके देखो और ये मूवी के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? आई फील ये मैं बहुत टाइम से इस चीज पे बहुत गौर फरमा रही थी. कुछ फिल्में अच्छी होती है और कुछ फिल्में बुरी होती है, लेकिन ये वाली फिल्म जरूरी है क्योंकि ये फिल्म इतना कुछ सिखाती है, हमें अपने बारे में इतनी चीज़ें रियलाइज़ करवाती है जो आई थिंक सब लोगों को पता होना चाहिए. और ये फिल्म बहुत सिखाएगी, बहुत एंटरटेन करेगी. और ऐसा नहीं कि सिर्फ सिखा रही है, तुम्हें एंटरटेन करेगी क्योंकि इसमें हंसने को इतना ज़्यादा है, रोने को इतना ज़्यादा है, हम अपने इमोशंस इतने ज़्यादा फील कर लेते हैं. तो हाँ, मुझे तो ये लगता है कि सबको ये फिल्म जाकर देखनी चाहिए क्योंकि सिनेमा में आ गई है, तो जाइए देखिए. देर किस बात की? आई थिंक ये फिल्म, किसी भी फिल्म का एक सबसे पहले जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो लोगों को एंटरटेन करे. और हमारी फिल्म एंटरटेन करती है. और अगर आप एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज दे सकते हैं, अच्छा, लोगों में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो फिर वो सोने पर सुहागा होता है, जो कि हमारी फिल्म में है. तो आई थिंक ये ऑडियंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फिल्म के थ्रू एंटरटेन तो हो ही सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं. तो आई थिंक ये एक मौका है सभी के लिए और आप सभी को ये फिल्म देखने जाना चाहिए जो कि आ चुकी है. इट्स कॉल्ड लापता लेडीज. आप जल्दी से टिकट बुक करो और फटाफट से फिल्म देख लो. तर ही लापता लेडीज चाहिए सगळे गैंग तुम्ही पाहत आहात. फुल नोएडा, नोएडा वरनं आहे फुल. मी ॲक्च्युली मूवीच्या कॅरेक्टरची नावं घेते. त्यानंतर पुष्पा सिमला वरनं आहे आणि दीपक आग्रा. आग्रा तर अशी ही वेगवेगळी ठिकाणची केमिस्ट्री एकत्र जुळून आणली आहे आमिर खान प्रोडक्शननी. आणि मूवी खरंच खूप सुंदर आहे. आपण सगळ्यांनी थिएटरमध्ये जाऊन ही पाहायची. तर मी आपला आवाज आपल्या सखीच्या वतीने आमच्या सगळ्या सख्यांना आव्हान करेल की आपण हा मूवी जो अजून पाहिलेला नाही तो आपण एकत्र पाहणार आहोत आणि ह्या टीमला आपण पुन्हा एकदा आमंत्रित करणार आहोत. धन्यवाद. खूप खूप आभार. मला माहित नाही, बस मराठी का एक गाणं आता है मला सांगताना वाजली ती वारा, क्योंकि मैं बचपन में सुनती थी वो गाना और उसमें बहुत डांस किया करती थी. लेट्स सॉन्ग अप्सरा आज. वो भी सेलिब्रिटी जो है सोनाली, वो यही निगड़ी में रहती. अपन जहाँ से अभी आए ना वही प्लेस में उसका घर है.